राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस काफी कुछ वही प्रयोग करने जा रही है जो प्रयोग गुजरात विधानसभा चुनाव में अपनाए गए थे। गुजरात विधानसभा चुनाव में इन फॉर्मूलों से कांग्रेस को आंशिक सफलता हासिल हुई थी। इसी कड़ी में अब पड़ोसी राज्यों के 200 से अधिक कांग्रेसी नेता रोटी बेटी की दुहाई देकर राजस्थान में वोट मांगते नजर आएंगे। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पड़ोसी राज्यों के कांग्रेसी नेता राजस्थान में अपने रिश्तेदारों, समाज के लोगों और परिचितों को रोटी बेटी का रिश्ता याद दिलाकर वोट मांगेंगे। गुजरात की तर्ज पर कांग्रेस राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी पड़ोसी राज्यों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के लिए वोट मांगने की जिम्मेदारी सौंपी है। राजस्थान से सटे गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के 200 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे। सभी को अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। ये अपने अपने आवंटित क्षेत्रों में पहुंचकर कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अशोक गहलोत ने चुनाव में प्रभारी रहते हुए विधानसभा चुनाव के दौरान सोशल कनेक्ट का ये फॉर्मूला काम में लिया था। अब राजस्थान में भी यही सोशल कनेक्ट फॉर्मूला लागू करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट और गहलोत ने मिलकर इस फॉर्मूले को अमल में लाने की जिम्मेदारी पार्टी के चार राष्ट्रीय सचिवों विवेक बंसल, देवेंद्र यादव, तनुज कुमार और काजी निजामुद्दीन को सौंपी है। पड़ोसी राज्यों से चुनाव अभियान में जुटने वाले नेताओं के साथ समन्वय का काम ये चारों राष्ट्रीय सचिव करेंगे। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही जिलों में गुजरात के साबरकांठा, बनासकांठा, पंचमहल, दादोह और कच्छ जिलों के कांग्रेसी चुनाव अभियान की कमान संभालेंगे। इसी तरह चुरू, झुंझुनू और अलवर जिलों में हरियाणा के सिरसा, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और हिसार जिलों की कांग्रेसी कमान संभालेंगे। वहीं भरतपुर और धौलपुर जिलों की कमान उत्तर प्रदेश के आगरा और मथुरा के कांग्रेसियों को सौंपी गई है। मध्य प्रदेश में मतदान राजस्थान से अलग दिन होने पर वहां के कांग्रेसियों को भी कोटा, बारा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ जिलों में तैनात किया जाएगा। हालांकि मध्य प्रदेश से लगाए जाने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं की सूची तय नहीं हुई है। बीजेपी की आक्रामक चुनावी रणनीति और सवर्ण जातियों की बीजेपी से बढ़ती नाराजगी को देखते हुए कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण एवं राजपूत समाज के नेताओं को राजस्थान के जातिगत संगठनों के नेताओं के साथ तालमेल रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं हरियाणा के यादव, जाट और मेव समाज के नेताओं को अपने अपने समाजों के प्रमुख लोगों के बीच जाकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान कराने की अलग से जिम्मेदारी सौंपी गई है। उदयपुर में रह रहे बोहरा मुस्लिम मतदाताओं को कांग्रेस के साथ लाने की जिम्मेदारी गुजरात के बोहरा नेताओं को देने के साथ ही राज्य में मुस्लिम समाज के भी कुछ प्रतिष्ठित लोगों को लगाया जा रहा है। ये नेता उन 200 कांग्रेसियों से अलग होंगे जिन्हें सीमावर्ती जिलों में तैनात किया गया है। प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पड़ोसी राज्यों के नेताओं को प्रचार करने के लिए लगाने की जिम्मेदारी का प्रयोग पहली बार नहीं कर रही है कांग्रेस, लेकिन इस बार खास बात यह है कि सोशल इंजीनियरिंग का बकायदा ब्लूप्रिंट तैयार करके पड़ोसी राज्यों के नेताओं को लगाने का प्रयोग पहली बार किया जा रहा है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि रोटी बेटी की दुहाई देकर कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में क्या कमाल दिखाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।